नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पिछले वीडियो पे बहुत सारे लोगों ने तरह तरह के कमेंट किए और बहुत सारी जानकारी चाही, तो हम लोगों ने सोचा कि एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनको जानकारी दी जाए, क्योंकि अलग अलग सबको जानकारी देना कमेंट करके वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि हम लोग की ड्यूटी रहती है तो उतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो इसलिए हमने सोचा एक वीडियो शूट करके आपको बताया जाए जितनी जानकारी चाहते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने शुरू किया है। सर, एक लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो राहुल मेहरा हैं। उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि क्या रेलवे में संडे ऑफ मिलता है, मतलब ये कि आपको रेस्ट का मिलता है, ऑफ का मिलता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखिए, इसमें संडे ऑफ ऐसा कुछ नहीं है रेलवे में। किसी ना किसी को संडे को छुट्टी हो भी सकती है, रेस्ट हो भी सकता है, किसी को नहीं भी हो सकता है। रोस्टर के अनुसार आपको सप्ताह में किसी एक दिन रेस्ट मिलना है। अगर सारे स्टाफ अवेलेबल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको उस रोस्टर के हिसाब से जिस दिन आपका रेस्ट होता होगा आपको मिलेगा। अगर ऐसा नहीं है तो वो चेंज भी हो सकता है, आपको किसी भी दिन रेस्ट मिल सकता है। संडे नाम का कोई कंसेप्ट रेलवे में नहीं है। संडे मतलब ये होली, दिवाली, 15 अगस्त, 26 जनवरी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, एक धीरज सिंह है, पूछ रहे हैं कि सर जो स्टेशन मास्टर पोस्ट होती है उसके लिए इंटरव्यू भी होता है क्या? बिल्कुल नहीं, रेलवे में आपको एनटीपीसी में किसी भी पद के लिए किसी भी तरह का कोई इंटरव्यू नहीं होगा। अच्छा, और एक अगला क्वेश्चन है, वो सूरज डांगवाल हैं, वो पूछ रहे हैं कि इसमें एग्ज़ाम होने के बाद स्टेशन मास्टर के लिए साइको टेस्ट भी होता है? साइको टेस्ट आपको CBT 2 में जो लोग स्टेशन मास्टर के लिए क्वालिफाई करेंगे उनको, अगर एक सीट है तो 8 आदमी का चयन किया जाएगा जिनसे जिनका साइको टेस्ट होगा। साइको टेस्ट में नॉर्मली 4 या 5 तरह के पैटर्न पे उनसे ऑनलाइन परीक्षा ही ली जाएगी। अभी उसमें साइको को तो आपको अलग से देखना पड़ेगा। उसमें जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि लगातार बहुत सारे अंक दिए हुए हैं, उसमें आपको सम अंकों को जोड़ना है या सम अंकों की या विषम अंकों की गिनती करनी है, वो कितने हैं उसमें आंसर लिखना है। कभी कभी रहता है कि बहुत सारा ऑप्शन 5 है आपके पास, उसमें कौन सा एक अलग डिफरेंट है, कौन अलग भिन्न दिखता है, उसमें उसको चुनना है। कुछ ग्राफ वाले क्वेश्चन भी जाते हैं, ग्राफ मतलब कि उसमें एक बॉक्स रहता है, उसका कुछ पोर्शन काट लिया गया, इसमें से कौन सा पोर्शन यहाँ भर सकते हैं, या फिर से एक रास्ता चुनने का क्वेश्चन रहता है। इसमें एक बड़ा बॉक्स होता है, उसमें 40 या 50 मतलब बॉक्स पूरी रहते हैं। डिटेल के जानने के लिए वीडियो हाँ, वो बनाएंगे, उसमें अलग आप से देख आपको सकते उसमें हैं। देखना पड़ेगा। इसकी तैयारी, इसके लिए बहुत समय लेकिन कम मिलता है, साइको टेस्ट के लिए काफी कम समय मिलता है, अच्छा, एक लेकिन और वो अगर आप क्वेश्चन ठीक ठाक हैं पढ़ने में तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं सर, होगा। एक और क्वेश्चन, एक लोग पूछ रहे हैं कि जो स्टेशन मास्टर होता है इसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है, और अगर किसी को चश्मा लगा हुआ है या 0.5 कुछ कम है तो उसका क्या होगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, कैसे उसका होगा? मेडिकल में स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड दोनों के लिए A2 मेडिकल फिटनेस पूछा जा रहा है। A2 में क्या है, मिनिमम आपको 6x9, 6/9 विजन होना चाहिए, डिस्टेंट विजन 6x9। अब इसमें क्या है, कभी कभी कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि उनके चश्मे का पावर 0.5 या 1 माइनस में कुछ भी है, माइनस वाला डिस्टेंट पावर को बताता है, तो ऐसा है तो क्या हम उसमें सेलेक्ट होंगे नहीं होंगे, ऐसा नहीं कर सकते। हमने भी पहले डॉक्टरों से पूछा या बात की है, तो डॉक्टर ने ऐसा बताया था कभी कि ऐसा नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपको 0.5 पावर का चश्मा लग रहा है तो 6x9 आपका है या नहीं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं कर सकते, ऐसा कोई गणितीय संबंध, मैथमेटिकल रिलेशन नहीं है। मतलब चश्मा लग रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आप सेलेक्ट नहीं होंगे। नहीं, इतना तो पक्का है कि अगर आप 0.5 चश्मा लगा रहे हैं तो आपका पॉसिबिलिटी 6x9 नहीं है, ये तो है, हाँ, आपकी आंख में दिक्कत तो है ही। लेकिन सर, सबसे अच्छा क्या तरीका है कि आप किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, अभी भी बिना पहले परीक्षा से। दिए हाँ ऐसे ही हाँ चले जाइए और वहां पे अपने आँख की जांच करा लीजिए। वो उससे पूछिए मेरा मेरी आँख का पावर क्या है, 6x9 है, 6x12 है, 6x24, 12 बहुत सारा होता है। कई बार क्या होता है, मेडिकल परीक्षाओं के दौरान मेडिकल जो एग्जामिनेशन होता है, जो लोग सेलेक्ट होकर जाते हैं, तो कभी कभी समय कम रहता है तो जल्दी में थोड़ी छूट भी मिल जाती है, कभी कभी जल्दी में लोग हाँ चले जाते हैं। लेकिन नॉर्मली जैसे हम लोग SCR में, दक्षिण मध्य रेलवे में हैं, तो यहाँ जो मेडिकल है वो इतना आसान तो नहीं है, यहाँ पे मेडिकल ठीक से लिया जा रहा है। और मेडिकल में कलर ब्लाइंडनेस सबसे ज्यादा फोकस लोग आँख पे ही करते हैं। अब मेन फ्री वीडियो यहाँ पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को उन लोगों तक भी शेयर कर दीजिए जो रेलवे की तैयारी करते हैं, ताकि उनको भी ये जानकारी मिल जाए और वो भी मोटिवेट हो सकें, रेलवे के बारे में अधिक जान सकें। उन लोगों तक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सर ने इतनी मेहनत की आपको बताया इतने अच्छे से, उसके लिए सर के लिए कम से कम वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय। धन्यवाद।